तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप लोग का एनिमे टाउन के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में। सॉरी मैं खुद ही भूल गया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चैनल का नाम चेंज करके एनिमे टाउन से एनिमे बॉय रख दिया गया है, साथ ही साथ लोगो भी चेंज हो चुका है। तो आज से इस चैनल का नाम एनिमे बॉय है, याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं। तो जिस चीज का हमें इतने टाइम से इंतजार था, आज वो होने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी में डब्ड होने की। और ये जो हो रहा है उसकी वजह है दी ऑफिशियल वॉइस ऑफ हिंदी गोकू अंकुर जावेरी सर। इन्हीं की मेहनत की वजह से आज हम देख सकते हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी में डब्ड होने वाला है। डब्ड होने वाला क्या, डबिंग तो शुरू भी हो चुकी है, कार्टून नेटवर्क पे प्रोमो भी आ चुके हैं। और इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा अंकुर जावेरी सर का, जिन्होंने हमारे चाइल्डहुड के एनिमे को वापस से जिंदा कर दिया है कार्टून नेटवर्क पे। एक टाइम ऐसा भी था जब एनिमे फैन ड्रैगन बॉल सुपर को लेके इतने ज्यादा ऑब्सेस हो गए थे, या कह सकते हैं एनिमे को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो गए थे, और ये चीज पूरे इंटरनेट पे देखी जा सकती थी। और उसी वजह से ड्रैगन बॉल सुपर कार्टून नेटवर्क पे आने तो लगा था, बट वो इंग्लिश डब में था, वो भी रात के 11:30 या 12 बजे जाके। यानी कार्टून नेटवर्क के पास ड्रैगन बॉल सुपर को दिखाने के राइट्स तो थे, बट शायद उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि वो ऑडियंस जो पहले की ऑडियंस थी वो अभी भी टीवी के साथ कनेक्टेड है या नहीं। क्योंकि अब तो ऐसा हो चुका है ना कि अब सिर्फ टीवी पर कार्टून ही आते हैं, कार्टून के अलावा कुछ आता ही नहीं, और नया खतरा कोई भी लेना नहीं चाहता था। बट अंकुर जावेरी सर की वजह से ये कोशिश दोबारा शुरू की गई है, वो जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। बाकी का काम हमारी एनिमे कम्युनिटी का ही है इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का। क्योंकि अगर ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी डब्ड में हिट चला जाता है तो इंडिया में और भी एनिमे आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, वो भी हिंदी डब के साथ। अब देखो यार, मैं कोई बहुत बड़ा क्रिएटर तो नहीं हूँ, मुझसे जो बल पड़ रहा है मैं वो कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। बट अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी में आ रहा है ये बात सभी तक पहुंच सके। और जहां तक बात है ड्रैगन बॉल सुपर की डबिंग टीम की कि उनके बाकी कैरेक्टर्स को कौन वॉइस दे रहा है, तो यहां तक बस यही पता है कि अंकुर जावेरी सर ने अपनी पुरानी टीम यानी कि ड्रैगन बॉल जी की जो टीम थी डबिंग टीम, उन्हें कॉन्टेक्ट करके इसके लिए राजी कर लिया है। तो हमें ड्रैगन बॉल जी के टाइम की वॉइस दोबारा सुनने को मिल सकती है ड्रैगन बॉल सुपर में। तो हाँ, ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी में जल्दी एयर होने वाला है कार्टून नेटवर्क पे। और बात रही ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी की, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो एनिमेशन को हैक कर लिया गया था, उसके चलते मूवी को होल्ड पे डाल दिया गया था। बट अभी न्यू रिलीज डेट सामने आ चुकी है, मूवी 11 जून को रिलीज होने वाली है जापान में। अब तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो उसके 1 या 2 महीने बाद ही मूवी इंडिया में आ सकती है, और मे बी ये भी पॉसिबल है हिंदी में भी आ सकती है, क्योंकि मूवी को इंडिया में आने में काफी टाइम है। तब तक अगर कार्टून नेटवर्क पे ड्रैगन बॉल सुपर हिट चला जाता है हिंदी डब में, तो चांसेस बढ़ जाएंगे मूवी को हिंदी में आने के लिए। बट फिलहाल तो ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये तो मेरे तुक्के हैं जो मैं हर बार लगाता रहता हूँ, और ये सही भी जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, वहाँ आकर आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो, मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। Oh, oh, oh.